हेलो शार्क्स। सत श्री अकाल जी। जब भी हम खाने की बात करते हैं तो हमारी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो हमारी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करता है। इसीलिए आज हम आपके सामने एक लेके आए अनोखा और एक रोमांचक एक्सपीरियंस। वेरी गुड। चाहे 5 साल का छोटा बच्चा हो या हो 80 साल का दादाजी, सबको 3 ही चीजें पसंद है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और हम एंटरटेनमेंट भी है और बहुत डिलीशियस भी। तो शाक्स, मेरा नाम है मनमीत बत्रा। मेरा नाम है कुवरप्रीत और आज हम दिल्ली से आपके लिए लेके आए हैं एशियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट टर्किश आइसक्रीम चेन ट्विस्टिंग स्कूप्स। हमारी आइसक्रीम 100% गोट मिल्क से बनती है एंड इसके अंदर है 0 केमिकल्स एंड ऑल द नेचुरल टर्किश इंग्रेडिएंट्स। हमने अपनी आइसक्रीम की ऑथेंटिसिटी और टर्किश हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए टर्किश के लोकल सप्लायर्स के साथ टाई अप किया है और उन्हें हायर किया है। हमारी प्रोडक्ट लाइन सिर्फ आइसक्रीम तक ही सीमित नहीं है, हम बक्लावास, मिडिल ईस्टर्न एंड टर्किश कॉफीज, कुनेफे, फलाफल जैसी और भी अदर टर्किश डेलिकेसीज में डील करते हैं। हमारी जर्नी 2016 में शुरू हुई जब हम इस्तांबुल में थे और आज हमारे 37+ स्टोर्स हैं 15+ सिटीज। हमारा विजन है कि ये रोमांचक एक्सपीरियंस हम सारे लोगों तक लेके जा पाए और सारे सबके शहरों पे हम खुशियां लेके आए। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 1 year for 2.5% इक्विटी। तो इसलिए शार्क्स क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि स्कूप में ही स्कोप है। मनमीत एंड कुवरप्रीत, करेक्ट? वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। इससे पहले क्या करते थे आप? We were doing as textile design, we were schooling only, and तब हम टर्की के अंदर हॉलिडे मनाने गए थे, and then we got this to India. आप दोनों साथ पढ़ते थे? Right. हाँ जी, we were school friends and then we. अच्छा, आप school friends? Right, we are childhood friends. और कुछ किया है आपने इसके पहले कि सीधा इसी में घुस गए? नहीं, this was the first. We started at the age of 18 and I was 17, he was 18. Meant with the spirit कि खोने को कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ है। Right. बस यही बदल रहा है, बस यही बात है भाई। 17-18 में चालू कर रहे हैं, हमने तो बहुत लेट चालू किया था। क्या उम्र है आपकी अब? As of now, I am 24 and he is 23. अरे वाह। आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद आई वहाँ पर कि परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद आई? परफॉर्मेंस इज अ क्राउड पुलर फॉर अस, बट इन द लॉन्गर टर्म जो हमने एक्सपीरियंस किया है, आइसक्रीम इज समथिंग जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस में हम अपने रिटर्न कस्टमर्स उबारा लाते हैं एंड दैट इज हाउ वी ग्रो। गुड, थैंक यू। लेकिन जब आप बताते हैं 37 स्टोर्स, तो वो ऐसे कियोस्क होते हैं मॉल में या एक्चुअल स्टोर्स लाइक हल्दीराम, और ए डाइनिंग एक्सपीरियंस फॉर्मेट क्या है आपका? सो वी हैव 3 काइंड ऑफ फॉर्मेट। एक होता है कियोस्क फॉर्मेट, जो साइज रहता है 100 square feet से लेके 200 square feet। देन वी हैव अ स्टोर फॉर्मेट जो 250 से लेके 300 square feet। And then we have these kind of cart model, which we only have at airports, जहाँ पे commercial rentals are very high. 37 stores में से कितने kiosk हैं, कितने store हैं और कितने cart हैं? 25 would be kiosk, 4 stores अभी तक हमारे हैं. And cart is the balance. And carts are the balance. पहले तो टर्की में सिर्फ जाके लोग बच्चे बड़े खुश होते थे ये सब देख के, अभी यहाँ पर videos बन के social media पे काफी लोग अपने आप promotion कर देते होंगे. Right. इस तरह से पुल क्रिएट किया आपने, लेकिन ये तो और कोई भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, दुबई में जाएं तो दुबई के अंदर देर आर मतलब 10 लोग यही काम कर रहे हैं, तो अभी तक कैसे कोई नहीं कॉपी करा इसको? इंडिया के अंदर अभी हम ही हैं, हम ही इसको स्टार्टिंग से कर रहे हैं। 37 आउटलेट खोलने तक भी अभी आप ही हैं और कोई नहीं आया है अभी इस मार्केट में? बहुत लोकल हैं, बट वो अपने सिटी में कर रहे हैं, लोकल कोई थर्ड पार्टी आइसक्रीम परचेज करके कर रहे हैं, सो वो एक फूल बनाने वाला तरीका हुआ कि नॉट यूजिंग एनी ऑथेंटिक आइसक्रीम्स। ऑथेंटिसिटी नहीं है। आइसक्रीम खाना चाहेंगे हम लोग पहले। खिलाओगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्सपीरियंस करिए। मैं आपको एक अचंभित हैरान होने की बात बताता हूँ। कुछ ही देर पहले अमित जी मुझे बता रहे थे कि ये टर्किश आइसक्रीम देने का काम करते थे बहुत साल पहले। हेलो, मरहबा, वेलकम टू ट्विस्टिंग स्कूप सर। ये सही से पकड़ेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। अरे मैं गारंटी देता हूँ, ये खुद करते थे कैसे नहीं पकड़ पाएंगे। दिखाइए जी।
मैं तो पकड़ लूं इसको। दिस इज योर आइसक्रीम। वाओ तेरी देरी की नहीं आ मेरे को। या मैं भी आइसक्रीम। थैंक यू। खाली कौन मिला है मेरे को बस। ओह माय गॉड। ये या तो आप बहुत ज्यादा देंगे या बहुत कम देंगे। मेबी दिस इज इनफ। नो सॉरी योर आइसक्रीम इज दिस। पिरू आइसक्रीम देने के मूड में है आप। Sorry. This is your ice cream, sir. Maybe we say try. try. Maybe this. इनको कभी किसी ने पीटा तो नहीं है ना? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। सबकी हम लाइफ इंश्योरेंस करा के रखते हैं इसलिए। अच्छा काम करते हो यार। मुझे अगर भूख लगी और कोई मेरे साथ ये करे ना मैं तो पीट लूँ उन्हें। This is your ice cream, sir. Thank you so much. Thank you. Oh my God. मैं तो तुम्हारी आइसक्रीम पहले बार में पकड़ू। सामने तुम हो मैं हूँ। हो जाए मुकाबला। ऑल द बेस्ट। कम ऑन अनुपम। मेबी दिस। मेरे को आइसक्रीम दे। अभी मेरे को फ्री में इक्विटी मिलती है ना भाई। एक कार्ट मेरे नाम। ये जो आपने मेरे को दिया ये रोज एंड पिस्ताचियो। रोज एंड पिस्ताचियो है। और क्या क्या फ्लेवर्स हैं आपके पास? 45 प्लस फ्लेवर्स। ले आइए रोज एंड पिस्ताचियो, लेमन कुकीज, चॉकलेट एंड हनीकॉम्ब, मैंगो एंड एलेपिनो। ये हमारी आइसक्रीम्स हैं। इसके साथ में जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे बकलावाज हैं। उसके अलावा हमारे पास टर्किश कॉफी एंड मिडिल ईस्टर्न टीज की भी रेंज है। एक आइसक्रीम कितने की है? एक आइसक्रीम जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस होता है वो 79 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है। वाओ। बट आप लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हो बिना किसी एक्सपीरियंस वगैरह के बिजनेस स्टार्ट करने में डिफिकल्टी नहीं? बहुत हुई डिफिकल्टी। बहुत डिफिकल्टीज हुई बट ऑनेस्टली गॉड वॉज काइंड एंड सारी डिफिकल्टीज से हम धीरे धीरे ओवरकम करते रहे। सीखने के लिए हम टर्की खुद गए। खुद सीख के हमने सबको यहाँ पे ट्रेनिंग दी सो दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट। वेरी नाइस। ये तो एक हो गई, एक स्किल सीख लिया। बिजनेस ऑपरेशन सीखना और उसमें क्या कठिनाई आई आपको शुरू में? जब स्टार्टिंग में रियल एस्टेट हमें प्रॉपर्टीज चाहिए, मॉल्स में एंट्री चाहिए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत ऑब्स्टेकल्स आए। बट हमने पहला स्टोर शुरू किया चंडीगढ़ एलांटे मॉल में। वो हमने ओपन किया था 2017 के अंदर एंड वहां से फिर हमने मुड़के नहीं देखा। वहां से फिर हमने स्टोर्स एक्सपैंड करते हुए हम सूरत गए, हमने बॉम्बे किया, फिर दिल्ली में हमें रियल एस्टेट मिलना शुरू हुआ। कितने लोग हैं आपकी टीम में? टोटल आउटलेट्स के और ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग के सब मिला के 240। फाउंडर्स आप दोनों हैं। हाँ राइट। और आपके बीच में कैसे इक्विटी स्प्लिट होती है? 50-50। और कोई फंडिंग नहीं लिया अभी तक? बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड है। आप क्या करते हैं कंपनी? ये मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पैच एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड आरएनडी। आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं इसकी फैक्ट्री में? कीर्ति नगर दिल्ली के अंदर हमारा प्लांट है जहाँ पे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम एयर इंडिया कार्गो के साथ पार्टनर्ड है। सारी लोकेशन जितने भी हमारे कंपनी ओन स्टोर्स हैं विद इन 72 आवर्स के अंदर हमारा दिल्ली से लेकर आउटलेट तक स्टॉक पहुंच जाता है। कहां से सीख लिया आपने? हां यार सच में कमाल है यार। के लोग हैं यार, इतनी मेहनत करी, इतना सीख लिया यार, कमाल। कंपनी आउटलेट्स हैं सारी 37? पहले हम फ्रेंचाइज करते थे बट 2021 एंड से हम सारे कंपनी ओन स्टोर्स कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था क्योंकि वो स्टाफ के ऊपर ढंग से स्पेंड नहीं करते थे, वो आउटलेट के अंदर मेंटेनेंस पे स्पेंड नहीं करते थे। करेक्ट। कई बारी आइसक्रीम्स वो थर्ड पार्टी यूज करने की कोशिश करते थे तो हमारा मेजरली टाइम उनको ठीक करने में चला जाता था। ये भी सीख लिया आपने। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। गुड पॉइंट। जल्दी सीख लिया आपने। ग्राउंड से खुद बनाते हो ना, इतनी लर्निंग हो ही जाती है। क्या यूनिट इकोनॉमिक्स हैं काट के? एक कियोस्क 150 स्क्वायर फीट का फॉर द कंपनी अराउंड
12 to 14 lakh रुपीज में रेडी कर लेते हैं। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चे हैं जो कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स में करती है, जैसे प्लांट, मशीनरी, आईटी। और ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा के खर्चे हो गए कंपनी के, जैसे मार्केटिंग, पीपल कॉस्ट एक्सेट्रा। 12 से 14 लाख केपेक्स के बाद यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है मंथली एक कार्ड? करेक्ट। सो मंथली हमारे एवरेज जितने स्टोर्स हैं, कियोस्क हैं, वो अराउंड 14 टू 16 लाख रुपीस की एवरेज सेल करते हैं। पर एनम? पर मंथ। वाओ, 14 से 16 लाख का डिटेल बता दीजिए। सो फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करते हैं हमारा एक स्टोर 15 लाख की सेल करता है, तो 15 लाख के अंदर हमारा रेंट अमाउंट समवेयर अराउंड 1.5-1.5 लाख रुपए रहता है। 10% वेरी गुड। और प्लस हमारा अगर 15 लाख की हम सेल कर रहे हैं, तो 15 लाख की सेल के अंदर 30% इज अ रॉ मटेरियल कॉस्ट, इंक्लूडिंग कि हमारा स्टॉक वहां तक पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट सब मिला के। और प्रॉफिट कितना बचता है एंड में? 15 लाख के अंदर हमारा इजीली 40-45% हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ओह वाओ, 6 लाख प्रॉफिट बनाते हैं अभी इजीली आराम से एक स्टोर के। आपका 3.5-4 करोड़ रुपए महीने का सेल्स है, सीधी बात है ना? हमारा महीने का सेल 2.5 से 3.25 करोड़ है। 2.5 करोड़ की सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया अपन ने? एवरेज हम पर मंथ प्रॉफिट 45-50 लाख मिनिमम स्ट्रेच करते हैं। अच्छा जी, लास्ट ईयर का सेल्स क्या था? लास्ट ईयर का जो हमने टोटल सेल किया था, दैट वाज अराउंड 5 करोड़। उस टाइम तक हम सिर्फ फ्रेंचाइजी स्टोर्स कर रहे थे, हमने कंपनी ओन स्टोर्स नहीं कर रहे थे। आप कितने लोकेशंस कर सकते हो पूरे इंडिया में? इजीली अराउंड 150 स्टोर्स हम कर सकते हैं। 150 स्टोर्स मतलब आज से 4 गुना, मतलब आपका 30 करोड़ का सेल्स है तो 100 करोड़ पकड़ते हैं, 100 करोड़ का सेल्स हो जाएगा, उसमें आप नफा कमाओगे मे बी 20 करोड़, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद क्या प्लान? तो फर्दर प्लान है कि अगर हमें इसका डिमांड और दिखेगा तो उसके हिसाब से टर्किश और मिडिल ईस्टर्न फूड लाइन के अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कवर करेंगे। नया ब्रांड शुरू करोगे? तो उसके अंदर ही हम एक और एड ऑन डालेंगे एज अ न्यू ब्रांड, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एज अ न्यू ब्रांड। तो पाजी आप चाहते क्या हो? सब कुछ तो है आपके पास। एक होता है ना, किसी को हम बोल सकते हैं हम तेरे को ये सिखाएंगे या ब्रांडिंग सिखाएंगे या तेरे को टेक्नोलॉजी सिखाएंगे या कुछ कुछ भी नहीं सिखाएंगे। समझिए, एक और 11 होते हैं और आज अगर हम जो कर रहे हैं, हमारे साथ कोई भी मिलेगा तो हम उससे और ऊपर हायर राइट्स पे जाएंगे। आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ। आपको सिखाने के पास मेरे पास कुछ है ही नहीं। आपका सपोर्ट रहे तो बाकी सपोर्ट है, सपोर्ट दे देंगे। दैट्स ऑल वी वांट। मैं आपको एक डिसीजन अपना देता हूँ, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, बट मैं चाहता नहीं हूँ आप पैसे लो। लेकिन अगर आप पीछे पड़ जाओगे, मुझे पैसे चाहिए नहीं, आप चाहिए, और या आपको आपको कोई और ऑफर दे दे, कोई और ऑफर दे दे, मतलब कहने का मतलब है, तो मैं उसके साथ आ जाऊंगा। जो वो डील बोलेगा ना, मैं उसके साथ आ जाऊंगा। भाई मैं आपको मेरा फैसला बताता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि आप क्यों यहाँ आए हो आज फंडिंग के लिए, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। आप सच में मंजे हुए खिलाड़ी हो, आप तोड़ू हो, बहुत बड़ा काम करोगे। और एक तरह से मुझे लग रहा है आपका जो स्ट्रेंथ है ना, कि घुस जाना और कर लेना, इज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे और मैं आपकी क्या मदद करूंगा, और मुझे प्रोडक्ट्स में भी इतना मजा नहीं आया। तो दीज टू रीजंस आई एम गोइंग टू बी आउट टुडे। थैंक यू सो मच। मैं कहने जा रहा था आप है ना, पैसा रेज मत करो, मेरा एडवाइस आपको ही होगा। आप अपनी इक्विटी भी क्यों डाइल्यूट कर रहे हो? एक और जन आएगा, एग्जिट मांगेगा, बहुत सारे पंगे रहेंगे। अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, और रियल में बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ ऑन ग्राउंड आपने रन किया है धंधे को, आपको सब पता है। और शार्क टैंक में आने के बाद और मार्केटिंग हो जाएगी बढ़िया, राइट? मैं आउट होना चाहूंगा फॉर दिस रीजन ओनली, कि मुझे लगता है कि आपको लेना ही नहीं चाहिए पैसा। मेरा भी वही डिसीजन है, जेन्युइनली आई डोंट थिंक आपको पैसों की जरूरत है और आपने इक्विटी डाइल्यूट करना चाहिए। We will always, always, always be there for you as mentors. Thank you so much. But let's not be investors today. एक शाक है, half in, half out है, 3 शाक out है, एक अभी बचे हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बिल्कुल नहीं करेंगे इस बिजनेस में? स्टार्टिंग से एक चीज थी कि घर वालों ने सबसे पहला था किसी से लेने से पहले पहले अपना प्लानिंग करो, उनको सर्व कैसे करोगे, उनको सर्विस कैसे दोगे, तब उनसे चेक लो, क्योंकि लेके किसी से हमने इस बिजनेस में आप
सब कुछ सही कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है आपका वैल्यू सिस्टम। ठीक है, आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, दैट इज सुपर स्ट्रॉन्ग फॉर मी। मेरे को जो इसमें समझ में आ रहा है, आपके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। चैलेंज आएगा आपको स्केल करने में और डिफेंसिबिलिटी बनाने में, और क्योंकि आपकी कैटेगरी में एक नॉवल्टी है, ये धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, यू हैव टू बी केयरफुल एंड प्लान इन एडवांस। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी एंड 50 लाख डेट, और ये ऑफर मैं और अमन शेयर करेंगे आपके साथ 50-50। आपकी 30 करोड़ की सेल है, 5 करोड़ की वैल्यूएशन। अरे ठीक है यार, उनको पता है, उनको पता है हमें। नहीं नहीं, फिर भी ऐड कर दीजिए, वो उनका हमारा फर्ज बनता है। नहीं, मंजे हुए खिलाड़ी हो आप, वैल्यू डी मत करिए आप, मंजे हुए खिलाड़ी हो, बहुत काबिलियत है। और देखिए, अगर आज आप ये नहीं भी करेंगे तब भी आई विल ऑलवेज विश, रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स हम, आपको कभी भी मदद चाहिए मॉल में एंट्री में, आई नो एवरी मॉल इन इंडिया। चलो अब आप डिसाइड करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर सर, यू आर वेरी काइंड, आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा लगा आके, बट ये ऑफर अभी हम नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल समझ सकता हूं आपका। वेल डन, थैंक यू फॉर सपोर्ट। वो तो हमको पता ही था यार। चलो थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो थैंक यू यार, बेस्ट ऑफ लक।